concept number 30, letter of credit. दोस्तों लेटर ऑफ क्रेडिट नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने इस टर्म का और मुझे ऐसा लगता है आपको एक कॉन्सेप्ट भी मालूम होगा, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं समझा है कभी लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, ब्रीफ में मैं आपको समझा दूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज लेटर ऑफ क्रेडिट. फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एज द नेम सेज इट इज अ लेटर that a banker would write to another banker. Let me give you an example. देखिए friends, मैं आपको एक छोटा सा scenario बताता हूँ, उसके through आप बात को समझिए. Assume कीजिए कि मैं इंडिया में operate करने वाला एक businessman हूँ और generally मुझे trade या मेरे business purpose के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज विजिट करना होता है और मुझे वहां पर जो भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल मिलता हो मुझे वहां से बाय करना पड़ता है. अब मैं एक बार यूएस जाता हूं और वहां के कुछ डीलर्स से बात करता हूं एंड आई फाइंड दैट दे हैव अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स और मेरा उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन सब हो जाता है. अब बात ऐसी है कि I need 1 year time to settle the payment. मुझे क्रेडिट चाहिए एक साल का. US के ये जो सप्लायर्स हैं जो आज मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ऑब्वियस बात है ये मुझे क्रेडिट नहीं देंगे. US के किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास से भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे वहां कोई जानता नहीं. बट इंडिया में तो मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूं. इंडियन बैंक्स, जो मेरा बैंकर है, जो सालों से जिसके साथ मेरे पास बैंकिंग रिलेशनशिप बना हुआ है, मेरा अकाउंट उस बैंक में है, ये बैंक तो मुझे लोन दे सकता है. अब मैं इंडिया में उस बैंक से बोरो करूं तो वो बैंकर ने मुझे ऑफर किया है 15% रेट. तो गिविंग यू अ फैक्ट कि इंडिया में बोरो करना तो मुझे महंगा पड़ेगा, तो why don't I do something where I can get the benefit of borrowing in US? तो मैं हमारे इंडियन बैंकर को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप एक काम करो, यू प्लीज इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू मी. आप मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिसको दिखाने पर, जिसको प्रेजेंट करने पर US के कोई बैंक, अब वो पर्टिकुलर बैंक हो या कोई सा भी बैंक हो, US के उस बैंक से मैं रिक्वायर्ड अमाउंट बोरो कर सकूं एक साल के लिए एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे वुड डिमांड. तो इंडियन बैंकर मुझे जब ये लेटर लिख कर दे देता है तो लेटर मैंने होल्ड किया है, बट लेटर इज एड्रेस टू द बैंकर इन US. तो एक तरह से इंडियन बैंकर ने यूएस के उस बैंकर को एक गारंटी दे दी है कि भाई आप इस पार्टी को इस लिमिट तक का लोन दे दो एक साल के लिए, इनके पास से पेमेंट आपको नहीं मिला, देन वी विल सेटल द पेमेंट. अब ये जो इंडियन बैंकर है ये मुफ्त में, फ्री में तो मुझे ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देगा, ये इस लेटर को बनाने का, इशू करने का मुझसे कुछ चार्जेस या कमीशन लेगा. सो कमीशन और चार्जेस आर डिपेंडेंट अपॉन हाउ लॉन्ग विल बी द पीरियड ऑफ बोरोइंग. लॉन्गर द पीरियड ऑफ बोरोइंग द हायर विल बी द अमाउंट ऑफ फीस और कमीशन पेएबल टू इंडियन बैंकर टू सिक्योर दैट लेटर ऑफ क्रेडिट. तो फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट को लेकर आपको किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, आपको जनरली क्वेश्चन में चॉइस दिया जाएगा कि भाई इंडिया में ही बोरो कर लें और पेमेंट सेटल कर दें, या इंडियन बैंक से हम सिर्फ एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा लें और बोरो हम फॉरेन कंट्री में कर लें. अब जनरली फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंडिया से कम हो सो इट माइट बी बेनिफिशियल टू बोरो इन दैट फॉरेन करेंसी, बट प्रॉब्लम क्या हो सकता है
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एक ट्रबल कर सकता है आपको. दूसरी बात कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे मैंने बताया इट विल नॉट बी अवेलेबल फ्री. अब फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो आपको कमीशन या फीस पे करना है वो अपफ्रंट पे करना है, वो एक साल बाद नहीं पे करना है. अपफ्रंट पेमेंट आप कभी भी करते हैं हेजिंग के लिए तो अपफ्रंट पेमेंट आपका कॉस्ट है, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट भी आपको कंसिडर करना होगा. ये ध्यान रहे कि इंडियन बैंक को मैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने का कमीशन दे रहा हूँ वो आज मुझे मेरे पॉकेट से पे करना है और ये अमाउंट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये अमाउंट भी अरेंज करने के लिए मुझे इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कंसिडर करना होगा. तो फ्रेंड्स लेटर ऑफ क्रेडिट का जो कॉस्ट लगेगा हमको दैट विल बी द कमीशन पेएबल टू द बैंकर प्लस द इंटरेस्ट देयर ऑन फॉर द पीरियड एंड दैट कंसोलिडेटेड अमाउंट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. तो फ्रेंड्स कैलकुलेशंस जब हमारे सामने आएंगे तो बातें और भी क्लियर होंगी. तो चलिए हम क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं. वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 65. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 65 में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन 65 बोलता है ऑन 1/4/2015 आर लिमिटेड एन इंडियन कंपनी purchased an asset for invoice value $1,00,000. The supplier offers no credit. However, R Limited will be able to arrange sufficient funds to pay off the supplier only by 31st March 2016. R Limited has two alternatives. Borrow locally at 15% per annum for 1 year and settle the payment immediately. Number two, avail a letter of credit from Indian branch of US-based bank at a commission of 2%, which will make the company eligible to borrow from the bank in US a sum of $1,00,000 for 1 year at 6% per annum. The foreign exchange rates are as given below. Spot rate INR per USD diya hua hai 64. And 1 year forward rate diya hai INR per USD equals to 67.20. You are required to identify which of the two given alternatives will be better. So friends, chaliye dekhte hain solution kaise present kiya jayega. Alternative 1, borrow locally. इनवॉइस वैल्यू $1,00,000 है. स्पॉट रेट इज $1 = ₹64. सो इंडियन रुपी इनवॉइस वैल्यू टू बी अरेंज्ड बाय लोकल बोरोइंग्स एट 15% पर एनम विल बी ₹64,00,000. एक साल का इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा इस पर एट 15% ऑन 64 lakhs. इट विल बी 9,60,000. Total amount payable after 1 year will be 73,60,000 in Indian rupee. So friends, ye calculations aap likh lijiye and then we proceed ahead. Alright friends, to aage badhte hain. Alternative 2, using letter of credit. सबसे पहले तो upfront कमीशन कितना पे करना पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लें. इट विल बी $1,00,000 इंटू ₹64 इंटू 2%. तो आज के डॉलर वैल्यू पर जो स्पॉट रेट दिया हुआ है हमने स्पॉट रेट अप्लाई किया और 2% कमीशन मांगा गया था तो 2% इसका होता है ₹1,28,000. फ्रेंड्स ध्यान देंगे यहां पर इंटरेस्ट रेट की तरह ही ये 2% भी 2% पर एनम है. यानी हमें बोरो करना होता से फॉर 3 months और 6 months तो आप 1,28,000 का कमीशन नहीं देते
प्रपोर्शनेटली टाइम प्रपोर्शन पर उस कमीशन का कंप्यूटेशन किया जाता। एनीवे यहाँ पूरे एक साल की बात थी इसलिए हमने पूरा का पूरा 2% कंप्यूट किया, ₹1,28,000। अब ये अपफ्रंट कमीशन भी हमें अरेंज करना पड़ेगा और वो इंडिया में अरेंज करना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम फॉर वन फुल ईयर। सो इन दोनों का जो टोटल आता है दैट कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको हमने ए करके मार्क कर दिया। ये हमारे पॉकेट से आउटफ्लो होगा, दिस इज वन ऑफ द आउटफ्लोज अंडर अल्टरनेटिव टू। अमाउंट पेबल आफ्टर वन ईयर टू यूएस बैंक, अमाउंट बोरोड इज $1,00,000, इंटरेस्ट देयर ऑन एट 6% पर एनम विल बी $6,000। तो यूएस बैंक को अमाउंट पेबल होगा $1,06,000 आफ्टर वन ईयर। तो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 67.20, अकॉर्डिंग टू विच अमाउंट पेबल आफ्टर वन ईयर विल बी 71,23,200। That is $1,06,000 multiplied by ₹67.20 per dollar. तो फ्रेंड्स आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए एंड देन आई टेक यू अहेड। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट अस राइट डाउन द कंक्लूजन। टोटल आउटफ्लो ऑल्टरनेटिव टू में जो हमें दिख रहा है ए प्लस बी दोनों ऐड करके 72,70,400। और फ्रेंड्स आउटफ्लो जो ऑल्टरनेटिव वन में था वो इससे ज्यादा था, सो कंपनी कैन मिनिमाइज इट्स टोटल आउटफ्लो बाय अरेंजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट एज पर ऑल्टरनेटिव टू विच रिजल्ट्स इनटू नेट सेविंग्स ऑफ ₹89,600। और ये 89,600 कैसे आया सेविंग्स अंडर ऑल्टरनेटिव टू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटफ्लोज ऑफ बोथ द ऑल्टरनेटिव्स। सो ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव टू दैट इज यूजिंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेटर इन दिस केस।